सांगलीमध्ये सरकारच्या दूध धोरणाविरोधात 3 मेपासून मोफत दूध वाटप आंदोलन करणार असल्याची माहिती किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी दिलेली आहे. भाजप सरकारच्या दूध धोरणाच्या निषेधार्थ येत्या 3 मेपासून लुटता कशाला मोफत घ्या हे मोफत दूध वाटप आंदोलन हाती घेण्यात आल्याचं दूध संघर्ष समितीचे नेते व अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉक्टर अजित नवले यांनी जाहीर केलेलं आहे. तर शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित व मान्य मागण्यांच्यासाठी 1 जून रोजी तहसील कार्यालयांना घेराव घालण्यात येणार असून पुन्हा शेतकरी संपाचा हत्यार उगारण्यात येईल असा इशारा राज्य सरकारला दिलेला आहे. त्यास सांगलीमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते यावेळी असल्याचं स्पष्ट करत इशारा दिलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने लॉंग मार्चही काढण्यात आला. मात्र 2 महिने उलटले आहेत पण अद्याप सरकारकडून मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्याच्याबरोबर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबरोबर विविध मागण्याही प्रलंबित आहेत. यामुळे अखिल भारतीय किसान सभेकडून रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आज सांगलीमध्ये किसान सभेचे नेते व सरचिटणीस डॉक्टर अजित नवले यांनी दिलेली आहे. महाराष्ट्र में दूध उत्पादक किसान संकट में है. 27 रुपये जो सरकार ने जाहिर किए थे आज 17 रुपये प्रति लीटर दूध बेचना पड़ रहा है. लॉन्ग मार्च और फार्मर स्ट्राइक को जो आश्वासन सरकार ने दिए थे उसके इम्प्लीमेंटेशन भी महाराष्ट्र में नहीं हो रही है. इसके चलते किसान सभा और दूध उत्पादक संघर्ष समिति दोनों को मिला के फिर से महाराष्ट्र में एक आंदोलन की तैयारी शुरू हो चुकी है. 1 जून जो महाराष्ट्र में हुए फार्मर स्ट्राइक की सालगिरह है उसी समय पूरे महाराष्ट्र में तहसील कार्यालयों का घेराव और पूरा महाराष्ट्र ठप करने की ओर महाराष्ट्र राज्य किसान सभा बढ़ रही है. उसी के साथ जो दूध उत्पादक किसान है उसको उनकी मांगों को लेके 3 तारीख से 9 तारीख तक एक सप्ताह मनाया जाएगा जिसके चलते जो लूट किसानों की हो रही है वो रोको. अगर शर्म नहीं है तो लूटते क्यों हो, मुफ्त में लेके जाओ, फ्री में लेके जाओ, इस प्रकार का संताप व्यक्त करते हुए सप्ताह मनाया जाएगा. इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो शहरों को जो दूध की सप्लाई महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके से होती है, दूसरे राज्यों से होती है, उसको रोक के पूरे सप्लाई जो मिल्क का होता है उसको रोक के आंदोलन की तैयारी महाराष्ट्र में हो रही है. किसान सभा और संघर्ष समिति उसकी अगुवाई करेंगी. हम सरकार से विनती करते हैं कि शहरों को होने वाला दूध का जो सप्लाई है वो रोक के जो आंदोलन होगा तो उस प्रकार का आंदोलन करने की नौबत सरकार वो हम पे नहीं लाए. जरूर कदम उठाए, अगर वो नहीं लाती है तो संघर्ष अटल है.